नेक्स्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर। हमने जितने भी क्वेश्चन बायट सर्किट लॉ में लिए थे उसमें जितनी भी वायर्स ली थी वो वायर थिन वायर थी, उसकी थिकनेस नहीं होती थी, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होता था। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि सपोज ये आपके पास एक वायर है, लॉन्ग वायर है, ये लंबी वायर इनफाइनाइट हो सकती है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक, और इसमें क्या जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें करंट कितना है, आई करंट जा रहा है, पूरी थिक वायर है, थिक वायर में से आई करंट मूव कर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो ये मान लेते हैं इसका एक्सिस है, राइट, ये क्या है, इसका एक्सिस है, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन में सपोज गिवन है कि इसका जो रेडियस है, राइट, इसका जो रेडियस है वायर का, वो क्वेश्चन में गिवन है ए, रेडियस इज ए, क्लियर है, तो पूरा करंट ही करंट इसमें जा रहा है, ठीक, रेडियस इज ए। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें, ठीक है, मेरे को बी निकालना है, कहां पे निकालना है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है कहां पे, इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस बाहर, मुझे जो बी निकालना है मुझे यहां पे निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। क्लियर है? तो ये एक इनफाइनाइट वायर है, लंबी वायर है, और मुझे इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस वायर के बाहर बी निकालना है। प्रॉब्लम क्लियर है यहां तक? तो मैं इसमें तीन केस करूंगा, मैं इस वायर के एक्सिस से आर डिस्टेंस बाहर भी निकालूंगा, इसकी सरफेस के ऊपर भी निकालूंगा, इसके अंदर भी निकालूंगा। तो ये तीन केस हैं। तो पहले हमें बाहर निकालना है, जहां आपको बी निकालना है तो वहां क्या रूल है, जहां पर भी आपको बी निकालना है ना, तो वहां पर आप क्या बनाएंगे, एक क्लोज्ड पाथ। ये मैंने क्लोज पाथ बना दिया। तो अगर ये वायर है तो यहां पर मुझे आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, बी निकालना है, तो मैंने क्या बनाया, एक क्लोज्ड पाथ बन गया। तो इसके अंदर करंट इस तरफ जा रहा है, करंट ये देखो ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी। तो भी अगर बी ऐसे है, करंट सॉरी अगर ऐसे है तो थंब ऐसे है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे घूम रही है, तो यानी कि इस तरीके से अंदर जा रही है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें बी वेक्टर कहां पर है, तो बी वेक्टर कहीं ना कहीं इसके इनसाइड है। मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर कैसी है, इसके इनसाइड है। तो डीएल वेक्टर भी कैसे होगा, इसका डीएल वेक्टर भी ऑब्वियसली कैसे होगा, इसके इनसाइड ही होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने क्लोज पाथ लिया, क्लोज पाथ पे मुझे बी निकालना है, तो मैंने बी लिया, बी और डीएल में हमेशा एंगल क्या होगा ऐसे केस में, जीरो। तो इसका रेडियस कितना है क्लोज पाथ का, आर। तो हमारे पास क्या तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ जीरो। क्लियर है यहां तक? या फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू बी इंटू, अब डीएल 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 क्या देगा आपको, बोलो, टू पाई आर। क्या ये क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्लोज पाथ में क्या देगा आपको, बी इंटू टू पाई आर। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, तो अगर हम एसीएल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ बी डॉट डीएल क्लोज पाथ के लिए, बोलो कैसे निकल सकता है, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इस क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है। तो इस क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट जा रहा है पूरी वायर में, आए, तो इनटू क्या करेंगे, आए। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, टू। वन एंड टू को इक्वेट कर लेते हैं, तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आए, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाई टू पाई आए डिवाइडेड बाई आर। और एक बार फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से अगर डिवाइड करें तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। वही रिजल्ट आ गया जो इनफाइनाइट वायर का आता था, यही तो रिजल्ट था। इसका मतलब अगर वायर थिन हो या वायर थिक हो, अगर कोई पॉइंट वायर के बाहर लाई करता है तो बी का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बी नहीं चेंज होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आपने इस वायर के बाहर बी निकालना है
तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट आए, इक्वेट करके आंसर सेम आ गया। और अगर मेरे को बी की वैल्यू जो निकालनी है वो कहाँ निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है, तो अगर मुझे बी की वैल्यू सरफेस पे निकालनी है तो बोलो मैं स्मॉल आर को क्या पुट करूंगा, इक्वल टू ए। तो यहाँ पर स्मॉल आर को मैं पुट करूंगा ए, ये देखो। तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय क्या कर देंगे, ए कर देंगे। कोई डाउट इसमें, क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो हमने एक वायर के बाहर बी निकाला, वायर के सरफेस पे बी निकाला। अब असली चीज क्या है, वायर के इनसाइड, क्योंकि बाहर का रिजल्ट तो सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं आया। अब हम एक केस सॉल्व करते हैं जिसमें बी की वैल्यू मुझे कहाँ निकालनी है, इस वायर के इनसाइड निकाल लेंगे, राइट। तो ये लो, इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये मान लो आपके पास एक वायर है और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। और ये जो है इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस था, है ना, इसका जो रेडियस है वो कितना था, ए, इसका रेडियस वायर का कितना है, ए रेडियस था। और करंट कितना जा रहा है इसमें, टोटल आई, ये भी क्लियर है। मेरे को इस बार बी वैल्यू जो निकालनी है, बी की कहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है मुझे बी की वैल्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, अब वायर के इनसाइड निकालनी है, क्या स्टेप क्लियर है। तो जहाँ पर मुझे बी निकालना है वहाँ पर क्या लेंगे, एक क्लोज्ड पाथ, सरफेस नहीं, क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ ले लिया सर्कल, क्लियर है यहाँ तक। अब वही रूल, करंट इधर जा रहा है तो बी वेक्टर कैसे होगा, इनसाइड, तो इसमें भी बी वेक्टर कैसे होगा, इनसाइड, एंड डीएल वेक्टर भी कैसे होगा, इनसाइड। तो इस क्लोज्ड पाथ में अगर मैं बी डॉट डीएल निकालूं, बी डॉट डीएल, तो मेरे पास क्या आएगा, बी डीएल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, या फिर बी इंटू डीएल, या बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, टू पाए आर, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो बी डॉट डीएल यहां पर क्या देगा, बी इंटू टू पाई आर, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली, एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालना है तो क्या करें, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट पास कर गया, किस में से, इस क्लोज्ड पाथ में से, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को अब टोटल करंट थोड़ा लेना है आए, मेरे को बस यहां का करंट लेना है आए, क्लियर है यहां तक, फर्क समझ में आ रहा है। तो मान लो इस में से कितना करंट पास कर रहा है आए डैश, तो यहां पर क्या आएगा, आए डैश आएगा, फर्क समझ में आ रहा है। अब ये आई डैश कैसे निकलेगा, आई डैश निकालने का एक तरीका है, अगर ये क्रॉस सेक्शन पूरे का पूरा लिया जाए, कितना, पाए ए स्क्वायर, तो अगर इतना एरिया है तो करंट कितना पास हो रहा है इसमें से, आए, और अगर यूनिट एरिया है तो आए डिवाइडेड बाय क्या, पाए ए स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है कि अगर मैं यहां पे ये लो, क्लियर है, और मुझे कितने एरिया में से करंट पास करवाना है, पाए आर स्क्वायर, तो अगर पाए आर स्क्वायर एरिया है तो करंट क्या आएगा, आई अपॉन पाए ए स्क्वायर इंटू पाए आर स्क्वायर, तो यही मेरा आई डैश होगा, पाई से पाई कैंसल, तो आई डैश की वैल्यू होगी आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको यहां तक, आई डैश कैसे निकाला, तो आई डैश कैसे निकाला हमने, इसका एरिया अगर पाए ए स्क्वायर है तो करंट आई है वन है, तो आई बाय पाए ए स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का करंट आ गया। तब क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई की वैल्यू, आई डैश की वैल्यू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को इक्वेट, तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करके आपके पास बी की जो वैल्यू आएगी
दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू पाई, आर से एक आर कैंसल, तो आई इंटू आर डिवाइडेड बाई ए का, तो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे अगर कोई पॉइंट इनसाइड होगा तो कैसे आंसर निकलेगा। ठीक, तो आपकी बुकलेट के अंदर ऐसे ही किया हुआ है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग जो है वायर है, तो पहले पॉइंट बाहर है तो बी डॉट डी एल बी इंटू टू पाई आर और म्यू नॉट इंटू आई, इन्हें इक्वेट करके पहला केस तो सेम है। फिर अगर कोई पॉइंट इनसाइड है तो बी इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट इंटू आई डैश, तो आई डैश एरिया से निकाल के इक्वेट करके बी की वैल्यू कैलकुलेटेड। तो अगर कोई पॉइंट वायर के कहाँ पर है, बाहर है तो फॉर्मूला क्या लगता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर, यानी कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन अगर कोई पॉइंट वायर के इनसाइड है तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल R। तो ग्राफ क्या बनेगा B और R का, तो जब तक कोई पॉइंट वायर के इनसाइड है तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल R, और अगर आउटसाइड वायर जाते हैं तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल R। ये ग्राफ की वेरिएशन भी आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक?